मनुष्य मन और संसार सूत्र 14 से 24। परिमामैकत्वादु वस्तु तत्वम किसी वस्तु अथवा वस्तु जगत की वस्तु प्रकृति का सिद्धांत वस्तु एक ही चीज पर आधारित होता है वह सतत परिवर्तन वस्तु साम्य चित्त भेदात यो विभक्ता पंथा वस्तु यद्यपि वही रहती है लेकिन वस्तु और व्यक्तिगत मन चित्त के मार्ग भिन्न होते हैं तथा एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाकम तदा किम स्यात्। वस्तु व्यक्तिगत मन के अधीन नहीं होती क्योंकि इसकी कोई वैधता नहीं होती। यदि ऐसा है तो फिर क्या हो, कोई क्या करे। तदुपरागापेक्षी चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम्। वस्तु का ज्ञात होना या अज्ञात बने रहना उसके प्रति मन की तीव्र रुचि पर निर्भर रहता है। सदा ज्ञाता चित्त वृत्त्या स्तत्प्रभो पुरुषस्या परिणामित्वात्। चित्तवृत्तियों का ज्ञान उसके स्वामी पुरुष को हमेशा रहता है क्योंकि पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे कि वृत्तियों में होता है। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्। चित्त स्वप्रकाशित नहीं होता क्योंकि यह दृश्य होता है। एक समय जो भयानव धारणम मन दोनों वस्तु और पुरुष का निर्धारण एक ही समय पर नहीं कर सकता। चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धेरे बुद्धेरति प्रसंगा स्मृति संकरश्च। यदि कोई यह मानता हो कि एक मन दूसरे मन के लिए अदृश्य के लिए दृश्य है और दूसरा मन अन्य मन के लिए और इसी तरह आगे भी चलता है तो सूचना गलत सिद्ध होने की अवस्था में पहुंच जाएगी तथा स्मृति को भ्रमित और अस्त व्यस्त कर देगी। चित्तेर प्रति संक्रमायास्तदा कालापत्तौ सौबुद्धि संवेदनम्। दृष्टा चित्त का सामना जब मन द्वारा ग्रहण की गई किसी वस्तु के स्वरूप से होता है तब उससे उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन उसे वस्तु को प्रतिबिंबित करने वाले शांत चित्त के माध्यम से उसकी बुद्धि का ज्ञान हो जाता है। दृष्टा दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थकम। सर्वार्थम स्थिर अवस्था में रहते हुए जब मन दृष्टा और दृश्य दोनों को एक दूसरे के स्वरूप की वास्तविकता में प्रतिबिंबित करने लगता है तो वह सभी वस्तुओं को जिनके ज्ञान के माध्यम से सम्मिलित कर लेता है। तद संख्येय वासनाभिश्चित्तमपि परार्थम संहत यद्यपि मन असंख्य छाप हो वास्तव में रंगा रहता है फिर भी वह यह अपने पुरुष अतिरिक्त किसी अन्य के लाभ के लिए एक वस्तु बना रहता है क्योंकि कई वस्तुओं के साथ सारूप्यता ग्रहण करने के कारण यह पदार्थ एकत्रित कर लेता है। एक सामान्य मनुष्य जो योगी नहीं है कि कर्म तीन रूप धारण करते हैं शुभ अशुभ और दोनों का मिश्रण और जब उसे यह ज्ञात होता है कि उसके सभी कर्म अहम प्रेरित हैं तब देर सवेर उसे वह भी ज्ञात ज्ञान भी हो गया जाता है कि जिसका वर्णन पिछले अध्याय में सूत्र 7 से सूत्र 13 तक में किया गया है। जिसे यह ज्ञान हो जाता है उसे अकस्मात इस तथ्य का भी ज्ञान हो जाता है कि किसी वस्तु या वस्तु जगत की वस्तु प्रकृति का सिद्धांत एक और एक ही चीज अनवरत परिवर्तन परिणाम पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का अस्तित्व आंखों या मन के लिए कोई स्पष्ट बोधगम्य स्वरूप धारण नहीं करता तो वह वस्तु हमेशा समझ से बाहर और अज्ञात ही बनी रहती है अर्थात प्रेक्षक के सम्मुख अपना अस्तित्व घोषित करने के लिए वस्तु को बोधगम्य स्वरूप में प्रकट होना होगा। यह तभी संभव है जब वस्तु परिवर्तित होती हुई इतनी ठोस हो जाए कि वह दिखाई पाने लगे। यह वस्तु की अभिव्यक्ति है। वस्तु या तो व्यक्त होती है या अव्यक्त। हर वह चीज जिसे हम देखते हैं और जिसके प्रति जागरूक होते हैं
उसमें हमें अनवरत रूप से परिवर्तन होता दिखाई देता है। एक ताजा फूल कुछ समय पश्चात अपनी ताजगी खोता प्रतीत होता है। समय बीतने से ही उसमें परिवर्तन आ जाता है। एक चमकीले कपड़े को बक्से में रखने के कुछ साल बाद निकाल कर देखें तो पाएंगे कि समय के साथ वह अपनी चमक खो चुका है। समय वह है जो हर पल प्रभाव या परिवर्तन उत्पन्न करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और कई पलों का एकत्र प्रभाव फिर आंख या मन के लिए बोधगम्य वस्तु बन जाता है। यह उसकी अभिव्यक्ति है जिसे हम वस्तु कहकर पुकारते हैं। इस प्रकार अभिव्यक्त हुई हर वस्तु पुनः तब तक परिवर्तित होती रहती है जब तक कि अंततः वह व्यक्ति से पुनः अव्यक्त न बन जाए। अतः वस्तु प्रकृति में समय के अंतर्गत अव्यक्त से व्यक्त की ओर फिर व्यक्त से अव्यक्त की ओर गति होती है। यह सभी वस्तुओं का तथा संपूर्ण वस्तु जगत की अस्तित्व प्रकृति है। सूत्र 14 का यही अर्थ और तात्पर्य है। तो फिर मन क्या है? क्या यह वस्तु है या फिर वस्तु के अलावा कुछ और है? सूत्र 15 से सूत्र 17 तक में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। सूत्र 4 और सूत्र 5 हमें पहले ही बता दिया कि सभी व्यक्तिगत मन अस्मिता मैं हूँ भाव का सृजन है और हर व्यक्तिगत मन की चुनाव क्रिया बाकी सभी व्यक्तिगत मनों से भिन्न होती है। लेकिन वह जो इसका कारण है और व्यक्तिगत मनों की चुनाव क्रिया को उद्धत करता है सभी व्यक्तियों में पाया जाने वाला एक समान चित्त है। यह समान चित्त प्रकृति के प्रवाह का अत्यंत सूक्ष्म फल है। यह समान चित्त व्यक्तिगत मनों में आखिर कैसे विभाजित होता है और उनमें से प्रत्येक मन बाकी सभी मनों से भिन्न विकल्प क्यों चुनता है? इसका उत्तर यह है कि प्रकृति की काल प्रक्रिया के माध्यम से जब मन प्रकट होता है और विशेषतः जब यह मनुष्य में प्रकट होता है तब वह व्यक्तिगत चुनाव प्रक्रिया से प्रभावित होता दिखाई देता है जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अतः स्पष्ट है कि प्रकृति की काल प्रक्रिया के प्रभाव के अतिरिक्त कुछ और भी है जो मनुष्य के भीतर प्रकट हुआ है। यह शुद्ध दर्शन जो मनुष्य को अपने सिवाय हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है यह शुद्ध दर्शन भी सभी मनुष्यों में समान होता है। इसी कारण कोई वस्तु जैसे एक पेड़ सभी मनुष्य के लिए पेड़ ही रहता है। यह सभी वस्तुओं तथा संपूर्ण वस्तु जगत के लिए सत्य है। लेकिन शुद्ध दर्शन के साथ साथ कुछ और भी प्रकट हुआ है। यह चुनने की स्वतंत्रता इसका संबंध प्रकृति से नहीं है। अतः यह उसके कालचक्र का परिणाम नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति जो उत्पन्न करती है वह सभी ग्रहणकर्ताओं के लिए हमेशा समान होता है। वस्तु प्रकृति की यह सबसे निर्णयात्मक और विशिष्ट पहचान है। अतः कुछ नई और वस्तु प्रकृति से भिन्न चीज मनुष्य में प्रकट हुई यह नई और भिन्न चीज स्वतंत्रता है। यही है जो मनुष्य को बाकी सृष्टियों से अलग करती है। यद्यपि स्वतंत्रता हर मनुष्य में विद्यमान लेकिन इसका प्रयोग वह अतीत या कालचक्र के प्रभाव में करता है। मनुष्य अपनी पहचान अपने भीतर स्थित दृष्टा वृत्तियों के आधार पर बनाता प्रतीत होता है और जब वह वृत्ति सारूप्यता में उलझ जाता तब वह पूर्णता स्वतंत्रता उस शुद्ध दर्शन से अनभिज्ञ रहता है जो असल में उसके अस्तित्व स्वरूप का निर्माण करता है। योग का समस्त प्रयास ही मनुष्य की मनुष्यता को इस जाल से मुक्त कर उसे उसके अस्तित्व स्वरूप में स्थापित करना है। जिसे अस्तित्व परिस्थिति का सही ज्ञान हो जाता है उसे यह ज्ञान भी हो जाता है कि वस्तु और चित्त के मार्ग एक दूसरे से अलग अलग है। सूत्र 15 उसे यह ज्ञान भी हो जाता है कि उसका चित्त वस्तु अथवा वस्तु जगत के मार्ग को परिवर्तित नहीं कर सकता। वस्तु जगत किसी भी प्रकार से उन कर्मों के अधीन नहीं होता जो उसके मन से उभरते हैं। यह कल्पना करना कि कोई वस्तु अथवा वस्तु जगत के उस मार्ग को बदल सकता है जो उसकी रचना नहीं है तथा जिसकी प्रकृति स्वरूप व अंतर्निहित क्रियाओं के विषय में उसका ज्ञान नहीं के बराबर है हकीकत को कल्पना से ढकना है। इसकी कोई वैधता नहीं हो सकती है। यदि ऐसा है तो अब कोई क्या करे? एक ओर तो व्यक्तिगत मन और उसके कार्य, दूसरी ओर वस्तु जगत के कार्य हैं। ये दोनों आपस में
एक अर्थपूर्ण संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। सूत्र 16 ने यही प्रश्न उठाया है। यह सबसे मूलभूत प्रश्न है तथा सभी प्रश्नों का एक प्रश्न है। इसका उत्तर ऐसे किसी भी व्यक्तिगत मन के द्वारा नहीं दिया जा सकता जो किसी भी प्रकार की वृत्ति या अनुमान कार्य में व्यस्त है, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि व्यक्तिगत मन एवं वस्तु दोनों के मार्ग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। अतः ना तो वृत्ति, न अनुमान और ना ही निष्कर्ष पूर्ण प्रायोगिक या आंतरिक तर्क इसका उत्तर दे सकते हैं, और संक्षेप में कहें तो कोई चित्त वृत्ति इसका उत्तर नहीं दे सकती। सही उत्तर के प्रकट होने के लिए चित्त वृत्तियों को समाप्त होना होगा। इसका सही उत्तर सूत्र 17 में मिलता है। यह सूत्र कहता है कि चित्त अथवा मन में वस्तु या वस्तु जगत की वस्तुओं के लिए अंतर्निहित उत्कट इच्छा उपराग होती है। यह उत्कट इच्छा उपराग कोई वृत्ति नहीं है, यह अस्तित्व की अनिवार्यता है। यह मनुष्य सहित सभी जीवों के अस्तित्व में बने रहने के लिए एक जरूरत है। मनुष्य मरना नहीं चाहता, वह जीना चाहता है, और जीने का अर्थ है वस्तु जगत के साथ एक अर्थपूर्ण संबंध बनाते हुए जीना। अर्थात जीने का अर्थ है वस्तु जगत के साथ इस प्रकार घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेना जिससे अकेलेपन, परायेपन और अपनेपन के अस्तित्व की त्रिगुणात्मकता प्रकट हो जाए। भूख हमें खाने की खोज के लिए प्रेरित करती, प्यास पानी की खोज के लिए, और काम अपनी स्वाभाविक संतुष्टि की खोज के लिए। ये प्रेरणाएं कोई वृत्तियां या वृत्ति विलासिता नहीं है, इनमें अस्तित्व की एक अनिवार्यता है जो अपने गर्भ में जीवन का और संपूर्ण अस्तित्व का सारा रहस्य छुपाए हुए है। सूत्र 17 कहता है कि वस्तु का या वस्तु जगत का ज्ञात या अज्ञात बने रहना उसके प्रति मन के उपराग पैशन पर निर्भर करता है। वस्तु जगत की ओर मनुष्य को प्रेरित करने हेतु यदि कोई उपराग नहीं होता तो किसी भी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं होता। सच्चा ज्ञान कोई वृत्ति नहीं है बल्कि उस जीवन के अर्थ के लिए एक उत्कट भावना है जो भूख प्यास या काम की संतुष्टि के लिए हमारे भीतर स्पंदित होती रहती है। यह संतुष्टि मनुष्य को किसी समुचित वस्तु द्वारा प्रदान की जाती है। इस संतुष्टि में जीवन के आमोद का एक अस्तित्वपरक रोमांच है। अपनेपन, अकेलेपन और परायेपन की अस्तित्व परक महत्ता इस उपराग से तथा उसकी स्वाभाविक संतुष्टि से प्रकट हो जाती। इसके बिना जीवन निष्फल और बेहद अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन यह क्या मनुष्य इस अस्तित्व परक उपराग एग्जिस्टेंशियल पैशन व उसकी संतुष्टि की उपेक्षा करता, वह इन सरल और भोली भाली प्राकृतिक घटनाओं की अस्तित्व परक महत्ता के विषय में जरा भी नहीं सोचता। उसका आम केंद्रित मन ऐसी घटनाओं को कुचल देता है और फिर और ज्यादा से ज्यादा के लिए तरसता है। वह लालची, आक्रामक, विलासी और असभ्य बन जाता है। वह इस तथ्य को अनदेखा कर देता है कि उत्तर जीविता जिसके लिए वस्तु जगत का अनुभव और आमोद प्रमोद जरूरी है, उसका अर्थ सभी जीवों की उत्तर जीविता है, ना कि किसी भी कीमत पर केवल अपनी उत्तरजीविता। जब मेरी उत्तरजीविता, हमारी, आपकी उत्तरजीविता और सभी जीवों तथा संपूर्ण जीवन की उत्तरजीविता एक दूसरे से टकराने लगती है, तब मनुष्य को और कुछ नहीं बल्कि दुख, कष्ट और धरती पर जीवन की उत्तरजीविता पर लगातार बहुत ही खतरे का सामना करना पड़ता है। अतः जब व्यक्तिगत आवश्यकताओं की अस्तित्व पर सुपरिभाषित सीमा पार हो जाती, तब वह लालच में बदल जाते हैं और मनुष्य एक राक्षस में बदल जाता है जो यह सब देख लेता है, वह ठिठक जाता है और अस्तित्व परिस्थिति की चुनाव रहित जागरूकता की अवस्था में बना रहता है। एक नया ज्ञान उसके सामने प्रकट होता है जिससे जीवन तथा अस्तित्व का रहस्य प्रकाशित हो जाता है। सूत्र 18 में यह ज्ञान निहित है। सूत्र कहता है कि पुरुष या मनुष्य की मनुष्यता जो मनुष्य के शरीर में विश्राम या निवास करती है अपरिवर्तनशील, अपरिवामी है। इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता जैसा कि वस्तु जगत में हमेशा होता है। वस्तु जगत पुरुष या मनुष्य को उसकी इंद्रियों अथवा मन के माध्यम से हमेशा अनुभव प्रदान करता रहता है, और जब मन का वस्तु के साथ आदान प्रदान होता है तब उसमें हरकत होने लगती है।
यह हरकत बत्तियों के उत्तेजक का कार्य करती है और जो इन बत्तियों को उनकी अस्तित्व पर महत्ता के साथ देखता है वह इनके कार्यों के बारे में भी सब कुछ जान जाता है, यहाँ तक कि जो सूक्ष्मतम कार्य उनके बारे में। अतः मनुष्य में स्थित मनुष्य का पुरुष सर्वदा सर्वज्ञानी है। मनुष्य के जीवन का पुरुष कभी भी स्वयं को वृत्ति के स्वरूप नहीं होने देता। इस प्रकार उसका वृत्ति रहित मन एक शांत और बिल्कुल स्पष्ट पारदर्शिता ग्रहण कर सभी वस्तुओं को और निस्संदेह संपूर्ण वस्तु जगत को उनकी अस्तित्व पर वास्तविकता में प्रतिबिंबित करने लगता है। ऐसा होने पर हमें दिखाई देता है कि मन चित्त स्व प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि अवय वस्तु जगत को उसकी शुद्धता के साथ प्रतिबिंबित करता हुआ दृश्य बन गया है। सूत्र 19। हम यह भी देखते हैं कि मन या तो दृष्टा को प्रतिबिंबित करता है या फिर दृश्य को, लेकिन दोनों का निर्धारण या दोनों की अवधारणा एक ही समय पर नहीं कर सकता। सूत्र 20। जो देखता है वह मन नहीं होता बल्कि दृष्टा होता है। दृष्टा मन को देखता है और मन के द्वारा वस्तु जगत को देखता है। वह इस असंगत कल्पना को भी देखता है कि वह एक मन दूसरे मन की बातों का दृष्टा बन जाता है और वह फिर अन्य मन का, और फिर अनंत रूप से यही होता है। उदाहरण के लिए किसी को दर्द या दुख का अनुभव होता है तो इस दर्द या दुख को कौन देखता है? मन। यदि ऐसा है तो इस दर्द से छुटकारा कौन पाना चाहता है? दूसरा मन। यदि ऐसा है तो इसे दूर करने का उपाय कौन खोजता है? एक और मन, फिर एक और, और इसी तरह चलता रहता है। इस असंगति को देखने का अर्थ है दृष्टा और दृश्य के मध्य मन की अस्तित्व प्रकृति को एक तटस्थ कवि के रूप में देखना। मनुष्य जब अपने अस्तित्व की मनुष्यता से बेखबर रहते हुए अतीत की छापों द्वारा संचालित अपने मन की वृत्तियों के स्वरूप को हो जाता है, तब मन एक उचित कवि के रूप में कार्य करना बंद कर देता है। और जब तक यह परिस्थिति बनी रहती है मनुष्य बुद्धिहीन ही बना रहता है और उफनती धारा में लकड़ी के एक लट्ठे की भांति घटनाओं के भंवर में बहता रहता है। लेकिन जब इस परिस्थिति का अंत होता है तब मनुष्य अपने मन की सारी क्रियाओं को उसी प्रकार देखता है जिस प्रकार वाक्यों को, पक्षियों को और बादलों को देखता है। जिस प्रकार बादल आते हैं और फिर आसमान को साफ और ज्यों का त्यों छोड़कर चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इन वस्तुओं के अनुभव भी आते हैं और चले जाते हैं। मनुष्य की मनुष्यता भी इस आसमान के समान है जिसमें जिसके असीमित विस्तार के भीतर इस ब्रह्मांड की सभी घटनाएं घटित होती हैं। मनुष्य की मनुष्यता अर्थात पुरुष इनसे पूर्णतः अप्रभावित बना रहता है। हालांकि ये सभी जीवन के आनंद का रोमांच देती है लेकिन चित्त पर पसंद या नापसंद की कोई छाप छोड़े बिना ही गुजर जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरुष का अस्तित्व अपरिवर्तनशील अपरिवामी। सूत्र 18 है। अतः जब कोई मन की वृत्तियों को ऐसे देखता है जैसे आते जाते बादलों, तब उसे अकस्मात ही यह ज्ञान होता है कि बुद्धि का क्या अर्थ और क्या तात्पर्य। सूत्र 22। बुद्धिमान होने का अर्थ है अपने मन की हर क्रिया का साक्षात ज्ञान होना। निष्कर्ष निकालने का अर्थ और कुछ नहीं बल्कि वृत्ति सारूपता है। अतः बुद्धि के उदय के लिए निष्कर्ष निकालना समाप्त होना चाहिए। यह बुद्धि ही है जो मनुष्य को इस योग्य बनाती है। कि वस्तुओं को वह उनके अस्तित्व की वास्तविकता में देख सके। वस्तु प्रकृति का यही बोध असली बोध है। बोध के पूर्णता वस्तुनिष्ठ होने पर मन की क्या भूमिका होती है? सूत्र 23 और 24 इसका स्पष्ट वर्णन करते हैं। यहाँ पर यह याद करना जरूरी है जो चार आरंभिक सूत्र हमें मन के बारे में पहले ही बता चुके हैं, यह ध्यान देने योग्य है कि योग सूत्र मन के लिए चित्त शब्द का प्रयोग करते हैं, वे किसी अन्य समानार्थी शब्द जैसे मनस या अंतःकरण का प्रयोग नहीं करते। हमें पता ही है कि चित्त शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की चित्त धातु से हुई है जिसका अर्थ है देखना, महसूस करना, अवलोकन करना। चित्त शब्द चित्त का कर्मवाच्य पूर्ण भूतकाल पास्ट पैसिव पार्टिसिपल है। इसका तात्पर्य उनकी छापों के संग्रह से है जिन्हें अतीत में देखा या अनुभव किया गया था। अतः चित्त अतीत के अनुभवों की
इन्हीं छापों से मिलकर बनता है। जो छापे हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं पर छप जाती हैं, उनमें अतीत के अनुभवों से एकत्र की गई जानकारी का कोड होता है। जीव विज्ञान तथा प्रजातियों के विकास सिद्धांत के अनुसार यह जानकारी का कोड पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रजाति के सदस्यों में चला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई यह कभी तय नहीं किया जा सकता। सूत्र 7 से लेकर सूत्र 13 तक हमें यही बताते हैं। कोड को लिए इन छापों के इस अनादि गुण का संदर्भ सूत्र 10 में विशेष रूप से मिलता है। दृष्टा और दृश्य मनुष्य और वस्तु जगत के मध्य चलने वाले सतत आदान प्रदान के माध्यम से मन सक्रिय हो जाता है। यह मन की और मस्तिष्क की कोशिकाओं की प्रकृति है कि जो कुछ भी देखा जाता है और जो भी प्रतिक्रिया मन में उत्पन्न होती है वे उनका संग्रह कर लेते हैं। प्रतिक्रियाओं के संग्रह को संस्कार कहते हैं और स्मृति के लिए भी कच्चे माल का कार्य करते हैं। सूत्र 9 कहता है कि स्मृति और संस्कार एक ही प्रकृति के होते हैं। दृष्टा और दृश्य के बीच सतत आदान प्रदान के फलस्वरूप जब कुछ भी रोचक के आकर्षक दिखाई देता है तब तुरंत स्मृति में हरकत होने लगती है। परिणाम स्वरूप दृष्टा और दृश्य के मध्य इस मिलन को हम उस अतीत के आधार पर समझने का प्रयास करने लगते हैं जिसके साथ हमारा पूर्व परिचय रहा है। इस प्रकार अतीत सक्रिय व सजीव वर्तमान पर छा जाता है। इससे हमारे शुद्ध बोध पर अतीत का रंग चढ़ जाता है जिससे वह विकृत हो जाता है। वास्तविकता के स्थान को अमृति और विचार हथिया लेते हैं और वास्तविकता व कल्पना के बीच भ्रम का यह क्रूर चक्र एक अनुभव से दूसरे अनुभव तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। यह हम पहले ही देख चुके हैं कि इस क्रूर चक्र को योग अनुशासन से किस प्रकार तोड़ा जा सकता है और मनुष्य को उसके चंगुल से छुड़ाया जा सकता है। सूत्र 23 और सूत्र 24 हमें यह बताते हैं कि बोध जब शुद्ध और पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो जाता है तब मन शांत और गतिहीन हो जाता है। वह इतना तटस्थ हो जाता है कि जितना कि शुद्ध स्फटिक जो अपने आसपास की वस्तुओं के रंगों को प्रतिबिंबित तो करता है लेकिन उनको हटाए जाने पर उन रंगों का कोई नामो निशान तक नहीं दिखाता। असल में मन का अस्तित्व गुण भी यही है कि जो है उसको उसी के अस्तित्व की शुद्धता और वास्तविकता में दिखाना। यह गुण तभी कार्य करता है जब बोध शुद्ध और पूर्णतः वस्तुनिष्ठ हो। सूत्र 23 कहता है कि जब मन दो भिन्न वास्तविकताओं दृष्टा और दृश्य को उनके अस्तित्व की शुद्धता में प्रतिबिंबित करता है तब वह सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर लेता है सर्वार्थ। यह इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि वृत्तियां अब ध्यान नहीं भटकाती, विघ्न नहीं डालती और जो है उसे विकृत नहीं करती। एक छोर पर दृष्टा और दूसरे छोर पर दृश्य या वस्तु जगत अपने बीच संपूर्ण ब्रह्मांड को समा लेते हैं। शांत अवस्था में मन एक दाग रहित दर्पण की तरह व्यवहार करता है जिसमें दृष्टा और दृश्य दोनों अपनी अपनी अस्तित्व की विशिष्टता में प्रतिबिंबित होते हैं। यह विशिष्टता केवल एक ही बात में होती है और कि एक ओर जहां दृश्य या वस्तु जगत काल चक्र का भाग है और सदा परिवर्तनशील है वही दूसरी ओर दृष्टा काल चक्र से मुक्त और अपरिवर्तनशील है। सूत्र 24 कहता है कि मन का अस्तित्व अपने लिए नहीं बल्कि अपने अतिरिक्त किसी अन्य अर्थात पुरुष के लाभ के लिए होता है। जिस प्रकार किसी वस्तु अथवा वस्तु जगत का अस्तित्व दूसरे के लिए पदार्थ होता है जैसा कि भाग 2 के सूत्र 18 में बताया गया है उसी प्रकार मन का अस्तित्व भी दूसरे के लिए होता है। वह हर चीज जिसे काल ने संजोया है दूसरे के लिए है। वह जिसे काल ने नहीं संजोया है लेकिन जो काल द्वारा संजोई सभी चीजों को एक ही झलक में देख लेती है केवल अपने लिए स्वार्थ ही अस्तित्व में है और यही दृष्टा की अस्तित्व प्रकृति है। चित्त मन जैसा कि हमने देखा अतीत के अनुभवों की छापों से निर्मित होता है अतः यह काल का परिणाम है लेकिन चित्त अन्य सभी सामयिक वस्तुओं से एक प्रकार से भिन्न है। चित्त होने के कारण उसके साथ चित्त का तत्व मौजूद रहता है अतः जब
चित यानी दृष्टा की दर्शन शक्ति पर अतीत की छाया नहीं रहती, तब चित्त शुद्ध रिक्तता बन जाता है और हर चीज को प्रतिबिंबित करने योग्य हो जाता है। यह चित्त असंख्य छापों से रंगा होने पर भी अपने मालिक दृष्टा की सेवा करने के अपने अस्तित्व के गुण को बनाए रखता है। सूत्र 18। असल में दृष्टा को उसके स्वरूप का ज्ञान कराने में सहायक होना ही मन के अस्तित्व का कारण है। भाग 2 सूत्र 23। क्या होता है जब मन और वस्तु जगत के अस्तित्व का कारण होता समझ में आ जाता है, इसका वर्णन अगले अध्याय के सूत्रों में किया गया है। आप सबको मेरा प्रणाम।